Hello friends, welcome back to my new video, and today we will learn how to make testimonials using HTML and CSS that you can see on my screen. HTML CSS का यूज करके हम कैसे एक ब्यूटीफुल यूनिक एक टेस्टिमोनियल डिजाइन कर सकते हैं हम इस वीडियो में वो सीखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे मैंने इस सेक्शन में क्रिएट किया है तीन बॉक्स जिसमें मैंने एक इमेज और डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट को मैंने कवर किया है कोटेशन मार्क से, और लास्ट में मैंने यूज़र का नेम ऐड किया हुआ है इसमें, और बॉटम में मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कंट्रोल्स, और इसको मैंने एक ब्यूटीफुल यूआई डिज़ाइन दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लिक करते ही हम जिस भी बटन पे कंट्रोल पे क्लिक करते हैं उसका विड्थ इंक्रीज हो जाता है और बाकी अदर्स का हाइट विड्थ रीसेट हो जाता है अपनी पोजिशन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे यूजिंग HTML CSS। चलेंगे हम अपने रूट फोल्डर में टेस्टिमोनियल्स में, और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पहले ही .css और HTML फाइल को और एक इमेज फोल्डर को क्रिएट किया हुआ है। इमेज फोल्डर के मैंने अंदर इमेजेस को रखा हुआ है जिनका हम यूज़ करेंगे, और इस फोल्डर को मैंने ओपन किया हुआ है यूजिंग ब्रैकेट्स कोड एडिटर। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने HTML का और बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, और HTML में मैंने यहाँ पे CSS फाइल को ऑलरेडी यहाँ पे जिसमें मैंने टाइप किया हुआ है पैडिंग मार्जिन फॉन्ट फैमिली ग्लोबल CSS, इसको मैंने ऑलरेडी HTML फाइल में हेड के अंदर यूजिंग लिंक टैग यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं href के अंदर style.css यहाँ पे इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलेंगे बॉडी में, और यहाँ पे हम अब एक div क्रिएट करेंगे सबसे पहले, और उसका क्लास नेम हम रखेंगे कंटेनर। और कंटेनर को क्रिएट करने के बाद में इसको हम कॉपी कर लेंगे और चलेंगे CSS फाइल में। यहाँ पे हम इसमें टाइप करेंगे विड्थ 100%, हाइट ऐड करेंगे हम इसमें, इसके बाद में हम ऐड करेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद में हम ऐड करेंगे पोजीशन रिलेटिव, और अपने कोड को रन कराने के लिए हम चलेंगे अपने रूट फोल्डर में, और यहाँ पे हम HTML फाइल को ओपन करेंगे यूजिंग गूगल क्रोम। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं आप उसके उस पर इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हमने बैकग्राउंड अप्लाई कर लिया अपने वेबसाइट पेज पे। तो चलेंगे हम बैक इन अपने HTML में, और यहाँ पे कंटेनर के अंदर में एक इनर डिव क्रिएट करेंगे जिसका क्लास नेम हम रखेंगे व्यू बॉक्स, और इसके अंदर एक और इनर डिव क्रिएट करेंगे जिसका क्लास नेम हम रखेंगे टेस्टिमोनियल्स। अब हम क्लास व्यू बॉक्स को कॉपी कर लेंगे, और इसके लिए हम चलेंगे CSS में और टाइप करेंगे हम इसमें विड्थ ऐड करेंगे 900 पिक्सल, हाइट ऐड करेंगे इसमें 400 पिक्सल, इसके बाद ऐड करेंगे हम बॉर्डर रेडियस 220 पिक्सल, पोजिशन रखेंगे एब्सोल्यूट, टॉप ऐड करेंगे 50%, लेफ्ट ऐड करेंगे, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ऐड करेंगे। इसके बाद में ऐड करेंगे हम डिस्प्ले फ्लैक्स, और ऐड करेंगे अलाइंग आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट हम रखेंगे सेंटर, और ऐड करेंगे सम बैकग्राउंड जिससे कि हमारा बॉक्स विजिबल हो। तो हम रख लेते हैं यहाँ पे ग्रीन, और अब चलेंगे अपने ब्राउज़र को हम प्रीव्यू करेंगे। तो अब देखेंगे हमने यहाँ पे अपने व्यू बॉक्स को क्रिएट कर लिया। अब हम चलेंगे अगेन अपनी CSS फाइल में, और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। चलेंगे हम HTML में और टेस्टिमोनियल्स के अंदर, यहाँ पे इसको क्लास को कर देंगे ID, और CSS में हम चलेंगे टेस्टिमोनियल्स पे हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई करेंगे। अब चलेंगे अगेन अपनी HTML में और टेस्टिमोनियल्स के अंदर, यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक डिव, क्लास नेम हम इसका रखेंगे यूज़र, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे इमेज सोर्स के अंदर इमेज पाथ, इसके बाद में पी टैग। इसके लिए मैं यहाँ पे एक टाइपोग्राफी फाइल से अपने टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में ऐड करूँगा मैं एक H3 टैग जिसमें हम यूज़र नेम रखेंगे, जैसे कि यूज़र नेम हम रख लेते हैं रिले ओली, और इसको हम डिव को क्लास यूज़र को कर लेंगे डुप्लीकेट 3 टाइम्स,
और चेंज कर लेंगे इमेज नेम यूज़र टू, और यूज़र नेम चेंज कर लेंगे और चेंज कर लेंगे सिमिलरली div3 में, और यहाँ पे इमेज नेम और यूज़र नेम चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद में अब हम चलेंगे अपने ब्राउज़र को रन करेंगे। आप देखेंगे सभी यूज़र बॉक्स डिस्प्ले इनलाइन डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम चलेंगे अगेन अपने HTML में, और यहाँ से हम यूज़र क्लास को कॉपी कर लेंगे, और इसके लिए हम चलेंगे CSS में। इसमें हम टाइप करेंगे यहाँ पे, इसमें ऐड करेंगे अब विड्थ 800 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन रखेंगे सेंटर, इसके बाद ऐड करेंगे सम पैडिंग एंड देन बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, आफ्टर दैट बॉर्डर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद में ऐड करेंगे बॉर्डर रेडियस 200 पिक्सल रखेंगे, ऐड करेंगे बॉक्स शैडो कलर ऐड करेंगे विद ओपेसिटी, डिजाइन आर लुकिंग गुड। एंड आप देखेंगे नीचे यहाँ बॉटम में ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली स्क्रॉल हो रहा है, और तीनों बॉक्स के बीच में हम स्पेस अप्लाई करेंगे। तो स्पेस अप्लाई करने के लिए हम चलेंगे अपनी HTML में, और HTML में हम चलेंगे सेकंड कॉलम के अंदर, यूज़र के साथ में हम यहाँ पे एक क्लास नेम रखेंगे स्पेस, और उसको हम कर लेंगे कॉपी, और इसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे मार्जिन 0 70 पिक्सल। तो आप देखेंगे दोनों साइड से स्पेस एडजस्ट हो गया, अप्लाई हो गया। अब हम चलेंगे अगेन CSS में, और यहाँ पे यूज़र क्लास के साथ में ऐड करेंगे img, और ऐड करेंगे इसमें विड्थ 120 पिक्सल, अप्लाई करेंगे बॉर्डर रेडियस 50%, और इसके बाद में बॉर्डर ऐड करेंगे 10 पिक्सल सॉलिड, कलर नेम ऐड करेंगे इसके बाद में पोजिशन एब्सोल्यूट, और टॉप ऐड करेंगे, लेफ्ट ऐड करेंगे 50%, और ट्रांसफॉर्म ऐड करेंगे ट्रांसलेट एक्स, और इसके साथ में -50%, और यूज़र क्लास में ऐड कर लेंगे हम पोजिशन रिलेटिव। तो आप देखेंगे हमारा यूज़र इमेज अब ये सर्किल में डिस्प्ले हो रहा है। चलेंगे CSS में, अब ऐड करेंगे पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ पी टैग के लिए, और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे फॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल, अप्लाई करेंगे सम कलर, इसके बाद में ऐड करेंगे लाइन हाइट और सम मार्जिन स्पेस 60 पिक्सल 0 30 पिक्सल। तो आप देखेंगे हमारा यूज़र डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट अब और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोटेशन मार्क बोथ साइड टॉप एंड बॉटम लेफ्ट और राइट में। तो चलेंगे हम अगेन अपनी CSS फाइल में, और यहाँ पे यूज़र को हम कर लेंगे, यूज़र पी को हम कर लेंगे कॉपी, और इस पर अप्लाई करेंगे बिफोर, और इसमें हम टाइप करेंगे कंटेंट, और इसके अंदर हम CSS कोड अप्लाई करेंगे \201c, और इसके बाद में अप्लाई करेंगे फॉन्ट साइज़ 120 पिक्सल, अप्लाई करेंगे हाइट देन डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक एंड देन वर्टिकल अलाइन -57 एंड आफ्टर दैट मार्जिन राइट। अब हम इसको कर लेंगे डुप्लीकेट, एंड डुप्लीकेट करने के बाद में कंटेंट में चेंज करेंगे हम और 201d, वर्टिकल अलाइन हम चेंज करेंगे 70 और मार्जिन लेफ्ट। अब हम देखेंगे अपने ब्राउज़र में, तो आप देखेंगे हमने परफेक्टली अपने टेक्स्ट को कवर कर लिया विद कोटेशन मार्क सभी यूज़र बॉक्स में। चलेंगे अगेन अपनी CSS में, और क्लास यूज़र को कॉपी कर लेंगे और ऐड करेंगे H3 के लिए सम स्टाइल, लाइक फॉन्ट साइज़ ऐड करेंगे, फॉन्ट साइज के बाद में ऐड करेंगे सम कलर,
इसके बाद आप देखेंगे यूज़र नेम अब और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और यूनिक लग रहा है। चलेंगे हम अगेन अपनी सीएसएस में और यहाँ पे स्क्रॉल अप करते हुए चलेंगे हम क्लास टेस्टी व्यू बॉक्स में और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ओवरफ्लो हिडन। तो दोनों साइड से जो यूजर बॉक्स हमारे डिस्प्ले हो रहे थे वो अब हो गए हिडन। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे कंट्रोल्स यहाँ पे बॉटम में इसके। तो चलेंगे हम अपनी HTML में। अपनी HTML में हम यूजर व्यू बॉक्स के अंदर चलेंगे इसके पहले और यहाँ पे एक अनदर क्लास ऐड करेंगे कंट्रोल्स और इसमें हम ऐड करेंगे स्पैन विद ID। ID नेम हम रखेंगे कंट्रोल और इसमें वन। इसको हम कर लेंगे 3 टाइम्स, 2 टाइम्स डुप्लीकेट और ID नेम हम चेंज कर लेंगे Control 2 Control 3। अब हम क्या करेंगे कंट्रोल्स को कॉपी करके चलेंगे CSS में और यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें सम CSS प्रॉपर्टीज लाइक डिस्प्ले फ्लेक्स। ऐड करेंगे सम पोजिशन एंड देन बॉटम एंड लेफ्ट एंड देन ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -50%। अब हम कंट्रोल्स को ही कॉपी कर लेंगे अगेन एंड यहाँ पे ऐड करेंगे स्पेस स्पैन। इसके लिए हम ऐड करेंगे विड्थ 15 पिक्सल, हाइट ऐड करेंगे सेम एंड बैकग्राउंड ऐड करेंगे। बैकग्राउंड के बाद में ऐड करेंगे सब बॉर्डर रेडियस। आफ्टर दैट ऐड करेंगे मार्जिन 0.5 पिक्सल एंड देन कर्सर पॉइंटर। तो आप देखेंगे हमारे कंट्रोल्स यहाँ नीचे इस बॉक्स के नीचे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम चलेंगे अगेन अपनी CSS में, सॉरी अपनी HTML में और ID Control 2 के बाद में यहाँ पे एक ऐड करेंगे क्लास जिसका क्लास नेम हम रखेंगे एक्टिव और इसको हम कर लेंगे कॉपी और इसमें हम ऐड करेंगे विड्थ। विड्थ हो जाएगी 45 पिक्सल। ये अप्लाई नहीं हो रही है, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इसमें इम्पोर्टेंट जिससे कि ये विड्थ ओवरराइड कर जाएगी। यहाँ पे ये सर्किल डिस्प्ले हो रहा है, सर्किल को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। तो आप देखेंगे जो डिज़ाइन हमें चाहिए था वो हमारा सक्सेसफुल हमने क्रिएट कर लिया। तो फ्रेंड्स अब हम इस पे अप्लाई करेंगे क्लिक इवेंट विद जावास्क्रिप्ट। चलेंगे हम अपनी HTML फाइल में और क्लोज बॉडी टैग से पहले ऐड करेंगे एक टैग स्क्रिप्ट और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सम जावास्क्रिप्ट कोड। सबसे पहले हम टेस्टिमोनियल्स ID को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक वेर कीवर्ड और वेरिएबल नेम रखेंगे टेस्टिमोनियल। ऐड करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और ID नेम टेस्टिमोनियल। इसको हम कर लेंगे 3 टाइम्स डुप्लीकेट और यहाँ से Control 1 Control 2 Control 3 को हम अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में अब हम Control 1 2 3 पे हम अप्लाई करेंगे ऑन क्लिक इवेंट। जैसे हम क्लिक करते ही हमारा स्लाइड क्या होगा, स्लाइडर स्लाइड करेगा। तो ऐड करेंगे यहाँ पे सम फंक्शन और फंक्शन में हम ऐड करेंगे टेस्टिमोनियल्स पे डॉट स्टाइल और डॉट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म हमारा हो जाएगा ट्रांसलेट एक्स
और इसमें हम अप्लाई करेंगे 870 पिक्सल। और इसके बाद में कंट्रोल वन पे हम अप्लाई करेंगे एक एडिशनल जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टी क्लास लिस्ट देन फंक्शन नेम ऐड। अब यहाँ पे क्लास एक्टिव को हम ऐड के अंदर पेस्ट कर देंगे और इसको कर लेंगे डुप्लीकेट 3 टाइम्स। और कंट्रोल वन कंट्रोल टू एंड कंट्रोल थ्री पे यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे रिमूव। इसको हम कर लेंगे 3 टाइम्स, 2 टाइम्स डुप्लीकेट और कंट्रोल टू, और ट्रांसलेट एक्स हो जाएगा कंट्रोल टू में 0 पिक्सल, कंट्रोल वन हो जाएगा रिमूव और कंट्रोल टू हो जाएगा ऐड, देन कंट्रोल थ्री। सिमिलरली इसमें भी चेंज करेंगे, ट्रांसलेट एक्स हो जाएगा -870 पिक्सल। ये कोड ऐड करने के बाद में आप देखेंगे जैसे ही मैं कंट्रोल पे क्लिक करूँगा हमारा स्लाइडर क्लास नेम आप इमेज देखेंगे आप चेंज हो रही है। अगेन हम चलेंगे अपनी HTML में और यहाँ पे चेंज करेंगे कंट्रोल ID नेम। और चलेंगे CSS में ऐड करेंगे ट्रांजिशन कंट्रोल्स स्पैन के अंदर 0.5 सेकेंड। इसको हम कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे चलेंगे टेस्टी सॉरी यस टेस्टिमोनियल्स के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारा स्लाइडर अब परफेक्टली चेंज हो रहा है और ये स्लाइड कर रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम HTML CSS का यूज़ करके एक परफेक्ट टेस्टिमोनियल क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इफ़ दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।